प्राइवेट क्षेत्र को, उसके बदले में मध्य प्रदेश के नौजवानों को 70% नौकरी देने का नियम बनाया। उस समय भाजपा के नेता विरोध करते थे उस चीज का, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है। आज सरकार बनी तो इन्हें दिखाई दे रहा है कि प्रदेश के नौजवानों को हमने बेरोजगार छोड़ दिया, आप कहते हैं नौकरी देंगे, तो 1 लाख तो अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान ही है, उन्हें नियमित कर दीजिए। संविदा कर्मी भी लगभग 1 लाख से ज्यादा है पूरे प्रदेश में, उन्हें नियमित कर दीजिए। आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो ढाल तलवार बन रहे थे अतिथि शिक्षकों की, तो वहीं से शुरुआत करिए। अगर ये जुमला नहीं है तो ये केवल और केवल जुमला है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। ये अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं करते हैं। पिछली सरकार के 15,000 वायदे अधूरे हैं, शिवराज जी स्वयं भूल जाते हैं। उपचुनाव आते हुए देख के इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं, मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित करें तो हम मानेंगे कि सरकार की मंशा सही है, अन्यथा ये केवल जुमला है। बिल्कुल नेहा बग्गा का रुख करूंगी मैं, जो सवाल अजय सिंह यादव उठा रहे हैं नेहा, सवाल यही है कि जो पहले से सेवा में है 5,000 की छोटी सी तनख्वाह में जो अतिथि शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं, हालांकि कमलनाथ सरकार में उनको भरोसा दिला गया था और शिवराज सरकार आ गई तब तक उनका जो वादा था वो पूरा नहीं हो सका, तो क्या माने कि ये जो शिवराज सरकार ने आज फैसला किया है उसमें क्या इन्हें भी अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही सरकार के प्रोसेस में काम कर रहे हैं, सिर्फ बात उनकी पक्की नौकरी की, उनके नियमित किए जाने की है। तरीके का झूठ बोल के कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के बीच में गई थी और मध्य प्रदेश की भोली जनता ने इनकी बात को स्वीकारा भी था। आप युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को देख लीजिए, 4,000 रुपए देने का इन्होंने वादा किया था। बार बार हम बोलते रह गए कि आप किसी भी एक युवक को सामने ले आइए जिसको आपने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया। आज जो शिवराज जी ने फैसला लिया है ये कांग्रेस के वचन पत्र पर तमाचा है, क्योंकि ये क्या करना चाहते थे, हमारे प्रदेश के नौजवानों को ये 4,000 रुपए देकर उन्हें एक तरीके से हैंडीकैप। नेहा जी का तकनीकी कुछ दिक्कत आई है, नेहा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अजय जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, जो बेरोजगारी भत्ते का सवाल उठाया था, शुरुआत जब हम 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो टारगेट पर नौजवान ही था और फोकस पूरा कमलनाथ सरकार का भी और कांग्रेस का भी ये था कि यूथ को किस तरह अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन वो जो बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया बाद में तो वो पूरी योजना ही बंद करनी पड़ी थी। तो ये एक बड़ी बात होती है कि चुनाव के मद्देनजर दाना डाला जाता है, जाल बिछाया जाता है, लेकिन फिर वादे ही रह जाते हैं। अजय जी 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में अपने सभी वायदे पूरे करने की दिशा में काम प्रारंभ किया, 70% वायदे हमारे पूरे भी हुए। युवा स्वरोजगार योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करवाए थे, मध्य प्रदेश में 8 लाख नौजवानों के रजिस्ट्रेशन हुए थे और हम उनको रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हमने जिस तरह से इंदौर में सबमिट करी और मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपना रुझान दिखाया, ये उस परंपरा को आगे बढ़ाने की तरफ थे। हमने 70% मध्य प्रदेश के नौजवानों का आरक्षण रखा, यह केवल प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए था और परिणाम यह आया कि हमारी सरकार के दौरान 1 साल में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जो 15% होती थी वो 5% पे आ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हमें ना बताए, हम तो भाजपा से पूछते हैं अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान ये परंपरा आपने चालू की। 2007 के पहले मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नाम का कोई पद नहीं होता था। अगर आप नियमित नौकरी देना चाहते हैं, आपकी मंशा साफ है, तो पहले आपने क्यों ऐसे अतिथि रखे, 5,000 की नौकरियां देके शोषण किया। आज 70 नौजवानों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को 5,000 की वो वेतन भी नहीं मिल रही है। फरवरी 2020 के बाद से जब से हमारी सरकार गई है शिवराज सिंह चौहान जी ने 70,000 अतिथि शिक्षकों को वेतन देना बंद कर दिए हैं और आप आज जुमले दे रहे हैं कि हम प्रदेश में नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं। अरे हम तो आपका समर्थन करते हैं,
शुरुआत करिए, सबसे पहले अतिथि शिक्षा को संविदा कर्मियों को दीजिए। हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, हम आपकी सरकार के साथ हैं। आपको कोई कानूनी प्रॉब्लम की आवश्यकता? लेकिन बात निकलेगी, अगर अतिथि शिक्षकों की बात आती है तो फिर सिंधिया जी का भी जिक्र आता है, उन्होंने सड़क पर आने की बात कही थी। उन दिनों में ही जो आखिरी के दिन थे उनमें ही कुछ फैसला ले लिया जाता। मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले जो बात करना चाहूंगी, जगदीश शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, क्या संविदा कर्मचारियों को उम्मीद जागी है कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है क्या उन्हें भी इसी के जरिए समायोजित किया जाएगा, ऐसी कोई उम्मीद संविदा कर्मचारियों के बीच में जागी है इस फैसले के बाद? पिछले 14 वर्षों से संघर्षरत है और सरकार भी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की है। मध्य प्रदेश में जो जिंदगी अतिथि शिक्षकों ने जी है, 14 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और जब सिंधिया जी ने सत्ता परिवर्तन किया तो अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर किया कि मैं ढाल तलवार बनूंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, इसको लेकर उन्होंने सरकार बदल दी। लेकिन अतिथि शिक्षकों की स्थिति वही है, अतिथि शिक्षकों को लगाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है। पिछले 4 माह से उनकी सरकार बनी है, उनका जो निर्णय है ये कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही इसमें सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा, उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित ये स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान में आपके कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में आपके सेवा दे रहे हैं, उन लोगों की तो चिंता कीजिए आप, उन लोगों को तो आप पहले संवार लीजिए। आपने पिछले, आप खुद बताइए, और अकेले अतिथि शिक्षक नहीं है आप, मुझे लगता है जगदीश जी आप सबकी नुमाइंदगी करते हैं, कर्मचारी महासंघ के नेता हैं आप, तो उसमें 6000 बिजली कर्मचारी भी हैं, इसके अलावा नगर निगम के संविदा कर्मचारी हैं, 1 लाख से ऊपर तादाद है अलग अलग विभागों में जो संविदा कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में जो व्याख्याता काम कर रहे हैं उनकी भी बड़ी तादाद है। जी, अभी की बात कर रहा हूं मैं अतिथि शिक्षकों का, तो क्योंकि मुद्दा अभी बहुत उस पे है, सिंधिया जी ने कल भी उनके विषय में बोला इसलिए वो बात आ गई। ये सभी जितने भी कर्मचारी संगठन है सबकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको लगा तो लिया, शिवराज सिंह जी चौहान के समय सभी को शिवराज सिंह जी चौहान ने लगाया, तो उन्होंने लगा तो लिया पर उनकी नीतियां नहीं बनाई। आप ये बताइए कि आज 12-12, 14-14 साल के आयु मतलब नौकरी हो गई है उनकी, उसके बाद अगर कोई भी नियमित कर्मचारी की आप भर्ती कर लेंगे तो उन लोगों का क्या होगा, वो लोग अब क्या कर पाएंगे, आधी उम्र में उन लोगों के पास क्या है, और अभी भी 5 या 6 हजार अधिकतम 8 हजार रुपए तक की, कोई भी संगठन को अधिकतम 8 हजार मिलता होगा उस पर नौकरी कर रहे हैं, क्या इतनी महंगाई में घर चला पाएंगे? रही दूसरी बात, कोरोना काल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना काल में अगर कोई नौकरी में नहीं आता है तो उनको वेतन दिया जाए, शिवराज सिंह जी चौहान सरकार ने उन 3 माह का वेतन भी अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठन को नहीं दिया है, बहुत ही बेकार स्थिति में जी रहे हैं। उनका हर निर्णय स्वागत योग्य होता है लेकिन निर्णयों पर अमल नहीं हो पाता, बिना नीति के लगभग 1,80,000 कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं जिनका भविष्य अधर में है कि वो कब अड़ जाए। अतिथि शिक्षक 70,000 आत्महत्या कर चुके, टोटल कर्मचारी मिलाकर लगभग 180 कर्मचारी आत्महत्या। इस फैसले को लेकर आपकी आपकी शिवराज सरकार से क्या मांग है, इस फैसले को लेकर आपकी क्या मांग है कि नए नौजवान जो नौकरी में आ रहे हैं उनके पहले इनके बारे में गौर किया जाए और इनको एकोमोडेट किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो नौजवान है, योग्य नौजवान है, उनकी भर्ती आप करना, हमारे छोटे भाई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग जिनको आपने लगा रखा है, जो लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उन लोगों को पहले नियमित करिए। मध्य प्रदेश सरकार में अभी तक पिछले 15 वर्षों से कोई भर्तियां नहीं हुई है, बहुत सारे अभी पद खाली हैं, उन लोगों को आप संविदा जो आपके पास लौटेंगे। हम नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं क्योंकि लंबा वक्त विपक्ष को मिल गया बोलने का और जो संविदा कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी लंबा वक्त बोला, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है नेहा बग्गा। नेहा, आप से जब तकनीकी तौर पर हम नहीं जुड़ पाए तब चर्चा यहाँ तक पहुँची है कि जब आप नौजवानों को नौकरियाँ दे रहे हैं तब उन कर्मचारियों का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा पहले, क्यों नहीं उनको पहले नियमित किया जाए जो जिनकी आधी उम्र सरकार की सेवा में गुजर चुकी है। जैसा मैं दोहरा रही हूँ फिर से, 1 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारी हैं। हालांकि नया चुनौती ये भी है कि अगर इनको नियमित किया जाता है तो 5,000 करोड़ के लगभग, ये आंकड़ा तय नहीं है, 5,000 करोड़ के लगभग का जो है बोझ सरकार के ऊपर आएगा। क्या इस स्थिति में है सरकार फिर उसके बाद नई नौकरियों के दरवाजे खोलेंगे, आर्थिक रूप से जो चुनौती है उसको किस तरह से निपटेगी सरकार?
वाली जी, देखिए आपने हमेशा शिवराज सिंह चौहान जी की स्पिरिट को देखा है। मध्य प्रदेश का बजट आता हो, मध्य प्रदेश के जनता की सेवा की बात हो, मध्य प्रदेश में युवकों के नौकरी की बात हो, कभी भी शिवराज सिंह जी ने इस रुदाली गैंग की तरह बजट को लेकर, पैसों को लेकर संकट की बात नहीं कही है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर आपका ईमान है, आप अगर किसी कार्य को करना चाहते हैं तो वो निश्चित ही करेंगे। अजय यादव जी यहाँ पर अभी बैठकर चीख चीख कर कह रहे हैं, इसकी भर्ती क्यों नहीं करवा देते, पटवारियों की क्यों नहीं करवा देते, अतिथि शिक्षकों की क्यों नहीं करवा देते, ये क्यों नहीं बताते अजय यादव जी कि आपने संविदा कर्मचारियों से कहा था कि आप 3 महीने में इन्हें नियमित कर देंगे। जब लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहा, पटवारी जी 2-2, 3-3 महीने में टाइम बोरो करने का काम करते रहे, क्यों नहीं अजय यादव जी संवेदनशील बनकर सामने आए, अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े हुए, उन बहनों को अपने सुहागों को खोना पड़ा, उन बहनों को भोपाल में बैठकर अपने बाल मुंडवाने पड़े, और जिस तरीके से उन्होंने अपना अपमान सहा है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। आज जो बिल्कुल नेहा इस पर जवाब लेंगे अजय जी का, 1800 पद खाली है पटवारियों के भी, तो क्या वो पद भी इसी पद्धति से भरे जाएंगे? आप यही मानकर चले हम जिस तरह से शिवराज सरकार ने आज फैसला लिया है कि उसमें भी प्रदेश के ही नौजवान जो हैं उन्हीं को प्राथमिकता रहेगी, हालांकि उस वक्त में जो उठाया गया है जिसमें ये मंशा साफ कर दी गई है कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको यहाँ पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जो कांग्रेस के झूठे बहकावे में आ गए थे, आज वो जिम्मेदारी शिवराज सिंह जी की सरकार की है और उन्हें नियमित करने का कार्य किया जाएगा। पटवारियों की भी अगर आप बात याद करेंगी तो आप ध्यान करिए कि किस तरीके से जीतू पटवारी जी ने सभी 100% पटवारियों पर आरोप लगा दिया था कि वो भ्रष्टाचारी हैं। आप याद करिए कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह जी सामने आ गए थे कि लाख लाख रुपए लेकर पटवारी जो है वो बिक जाते हैं। तो ये जो सरकार कांग्रेस की चलाई गई थी, ये हमेशा लोगों पर आरोप लगाने वाली, पटवारियों को लांछन देने वाली, अतिथि शिक्षकों को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने वाली सरकार थी। युवकों से ये अपेक्षा रखती थी कि ये बैंड बजाएंगे, ढोर चराएंगे। आज एक जो सम्मान पूर्वक फैसला लिया गया है, ये मध्य प्रदेश की अपेक्षा है सरकार से, ये नहीं कि आप युवकों को कह दे कि जाके बैंड बजाइए, जाके ढोर चराइए, और उसी की कड़ी में जो युवक हैं इसका फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, आपका रुख करेंगे, जो बार बार नेहा बग्गा आरोप लगा रही है, 90 दिन में फैसला हो जाना था अतिथि शिक्षकों का, उसके अलावा पटवारियों की जो भर्ती होनी थी, हालांकि गोविंद सिंह राजपूत तब कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, अब वो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हल अभी भी पटवारियों का नहीं हो पाया। लेकिन बात किसी एक दल की नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सिर्फ वादे होते हैं, चुनाव तक वो वादे होते हैं और फिर बिसरा दिया जाता है। ये एक वोट बैंक की तरह जो ये कर्मचारी या नौजवान जो इस्तेमाल होता है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जिम्मेदार जवाब की उम्मीद करती थी, राजनीतिक भाषण की नहीं। मैं कहता हूं हमारी सरकार 15 महीने रही, हमने प्रयास किए, अगर हमारी सरकार कुछ दिन और रहती तो हम नियमित करने की दिशा में आदेश करने वाले थे, और उपचुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम करेंगे ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बताती है कि वो सिंधिया जी जो ढाल तलवार बन रहे थे, सड़कों पे उतर रहे थे, उनने आपके साथ मिलकर सरकार बना ली, और यही कहा गया कि इन्हीं के लिए कांग्रेस छोड़कर गए। तो आप बताइए आपके पास क्या योजना है? 5 महीने निकल गए, कोई पत्र नहीं निकला, चलिए हो सकता है समय लगता है, तो आप बता दीजिए 3 महीने में हो जाएंगे, 4 महीने में हो जाएंगे, 5 महीने में हो जाएंगे, कुछ तो बताइए। आप राजनीतिक रोटियां सेकते थे, अतिथि शिक्षक महिलाएं अपने सिर मुड़ाती थी, आप लोग फोटो खिंचवाने जाते थे, शर्म आना चाहिए। अब आप सरकार में आ गए हैं तो बताइए ना आप कब तक कर रहे हैं उन्हें नियमित? ये शर्मनाक बर्ताव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि आपने उन लोगों के नाम पर राजनीति करी, 70 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी, और अतिथि शिक्षक आपने ही रखे थे, आपने नियमित क्यों नहीं रखे? ये आप ही के द्वारा की गई एक ऐसी विपदा है जिससे आप भाग रहे हैं। हम अतिथि शिक्षकों के साथ हैं, उपचुनाव के बाद हमारी सरकार बनते ही पहला निर्णय मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पहले कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को नियमित करेगी,
सभी तरह के संबंधित संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी, ये कमलनाथ जी का पहले ही ऐलान है। हमारी सरकार बनने दीजिए, हम वचनबद्ध हैं, हम फिर से अपनी सरकार दो महीने और रुकी है, दो महीने की बची है बस, ये सरकार उपचुनाव होने दीजिए। अजय जी आपको आपको रोकना चाहूंगी, नेहा का रुख करेंगे। नेहा बग्गा 21 से 30 साल की उम्र का 1,41,00,000 के करीब नौजवान है प्रदेश में। लॉकडाउन में ये आंकड़ा बढ़ा होगा, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा है पूरा देश, मध्य प्रदेश भी गुजरा है। जैसा मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि पहले ही कर्ज के बोझ में दबी हुई है सरकार, उसके अलावा बेरोजगारी का इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो आपके सामने है, ऐसे में कैसे आसान होगा नई नौकरियों के दरवाजे खोल पाना? सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? शिवाली जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इस पर आना भी चाहती थी, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक ताजा सर्वे आया है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, जो बता रही है कि कोरोना महामारी में जहां पर हमारा देश नहीं पूरा विश्व बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था से जो अर्थव्यवस्था